सादगी वाले बाबा की उड़ गई पूरी सादगी। लड़की के साथ कंधा कंधे में मिलाए, लोगों को धागे और फिरे देने लगा और कारों मर्सिडीज़ों में घूमने लगा। देखते हैं उसकी सादगी कहाँ गई और क्यों गई। आज की कहानी शुरू होने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये सोशल मीडिया कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। आपको पता ही नहीं चलेगा किसी के राज कहाँ होते हैं, किसी के राज कहाँ होते हैं और किसी के राज कहाँ दफन कर देती है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ऐसे शख्सियत के बारे में जो चरावा से फेमस मॉडलर बन गया। इस वीडियो को बनाने का मुझे कोई शौक नहीं था, मगर क्या करूँ, दुनिया के हालात और इस जहालत को देखते हुए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सपोज करने वाला हूँ अरब के फेमस बाबा जो होता है असाबा की तरह फील करता है, ऐसी सादगी है वैसे वैसे सब भाई सब कुछ चला गया। ये कुरान शरीफ की एक आयत है, वो आपको मैं सुना के फिर मैं वीडियो फिर से शुरू करता हूँ। तो देखते हैं। और देखो हम तुम्हें आजमाएंगे, वला नबलुवन्नकुम, हम लाजमन आजमाएंगे तुम। तो आपने ये अल्फाज साफ साफ सुन लिए, तो कुरान शरीफ में ये साफ साफ अल्फाज हैं कि मैं आपको आजमाऊंगा, इलम दे के, अजाब दे के, माल दे के, जो भी खौफ दे के मैं आपको आजमाऊंगा। अल्लाह करीम ने अपने अल्फाज सच्चे किए, अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी, इज्जत देने के बाद उसे आजमाया, आजमाने में फैल हो गया। आप देखें, आपने वीडियो देखे होंगे ये कैसे लोगों को यानी कि फीना दे रहा है, किसी को धागे दे रहा है। आपने नहीं देखा ये वीडियो जिसमें वो लोगों को फीने या धागे दे रहे हैं, वो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। वो वीडियो देखने के बाद ही फिर से मैं वीडियो में आता हूँ। ओके, तो वीडियो दोस्तों आपने देखा कैसे लोगों को धागे दे रहा है, फिरने दे रहा है, यानी कि बुजुर्ग की तरह। यार आप एक चरावा हो, आपको आपने उमरा कर लिया है तो ये नहीं होगा कि आप वली हो गए या क्या। और वलियों को भी ऐसी ताकत नहीं है कि धागे दो, धागा इस्लाम में ऐसा हराम है। तो अभी यानी कि वहाँ भी नहीं रुका, धागे फिरने करने के बाद भी इस गुनाह तो गुनाह खैर है यानी कि आगे भी चला गया। और ये एक वीडियो और दिखाता हूँ जिसमें वो यानी कि अवार्ड ले रहा है, ये यानी कि बड़े बड़े लेडीज़ के साथ मैंने यानी कि ऐसे मॉडल खड़ा है। क्योंकि अल्लाह ने आपको सादगी के वजह से मशहूर किया है, आप सादगी में रहे यार। यानी कि अभी ये लड़की के साथ खड़ा है और ऐसे एटीट्यूड के साथ, यानी कि ये बहुत ही यंग एज का है या कैसे। तो यार ऐसे शो ना कर रहा था तो बेहतर था, क्योंकि ये वे यानी कि सादगी की वजह से फेमस हुआ है तो ये इसका सादगी बरकरार ही रहता और ये अपने धागे वीगे ये कुछ भी ना करता। और मैंने ये न्यूज़ भी पढ़ी थी कि शाहिद जावेद अफरीदी ने, मेरे ख्याल में जावेद अफरीदी ने कहा था कि मैं इनको उम्र हज करवाऊँगा, तो फेक है या रियल है, मैंने ये बात सुनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी अल्लाह इनको इज्जत बहुत देता, मगर ये इतने की इज्जत ही बर्दाश्त कर सका। और ये वीडियो आप देख लीजिए, फिर से मैं आपके यहाँ रुजू होता हूँ, ठीक है। दीख की गई है दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि निदा यासिर बुजुर्ग बाबा को अपने शो में बुलाए? तो कमेंट्स में अपनी कीमत की बुजुर्ग बाबा के साथ एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है, आप लोगों को ये वाजह करते। आपने ये वीडियो देखा कैसे यार यानी कि एटीट्यूड के साथ चल रहा है या कैसे वैसे, तो सादगी गई भाड़ में। यार ऐसे नहीं होता है, सादगी इंसान में होनी चाहिए। और यानी कि जो जितना मुझे कहना था मैंने कह दिया, और जो आपके दिल में है आप भी मुझे कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। कमेंट सेक्शन खुला है, मैंने अलो कर दिया है, सही है। तो अगले यानी कि वीडियो मिलते हैं यार। अगर ये वीडियो बाबा तक तो मेरे ख्याल से नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मैं एक छोटा सा क्रिएटर हूँ। तो अगर पहुंच भी जाए तो यार कुछ सादगी में रहो तो बेहतर है, अल्लाह ने आपको नवाजा है सादगी की वजह से, आप सादगी में रहो तो बेहतर है। थैंक यू।